वाईसुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी जा रही है, लेकिन उससे पहले सरकार के दुकान पर नाम वाले आदेश से देश में संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अलग अलग राज्यों में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। यूपी के बाद उत्तराखंड में इस नियम को लागू किया गया, अब मध्य प्रदेश में भी इस नियम को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। मुस्लिम समाज में इस मामले पर अलग अलग राय है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम बताने में परेशानी क्या है, तो वहीं कुछ का मानना है कि ये नियम समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनिए बयान। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है। हम अपने त्योहारों में, चाहे हम रोजा रखते हों या ईद मनाते हों या हमारे हिंदू भाई होली और दिवाली मनाते हों, वो जब अपने त्योहारों की ख़रीदारी करते हैं या हम रोज़े के लिए जब सामान खरीदते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले का मज़हब क्या है, सामने वाले का धर्म क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है, ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के ख़िलाफ़ है और ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। पूरे देश में एक मजहबी उन्माद और जिहाद को बढ़ावा देने का निरंतर कुंठित प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर ने शुरुआत की थी कि कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत दुकानों पर, रास्तों में जितनी भी दुकानें पड़े, चुन्नू मुन्नू टुन्नू अखिलेश राहुल पप्पू वो जो भी हो, वो अपनी दुकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाएं। ये एक अच्छी और सराहनीय पहल है, जिसको लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसका पहल होना चाहिए, ये पूरे देश में इसकी पहल की जानी चाहिए। ये एक सराहनीय कदम है। और ऐसे में न्यूज़ स्टेट के बड़े सवाल, अच्छा या गंदा नाम का धंधा, मुस्लिम की दुकान सनातनी पहचान, क्या कहता है इस्लाम, छिपा सकते हैं नाम, हर धर्म लिखेगा नाम फिर भी संग्राम, फायदे के लिए नाम कैसे होगा सम्मान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना शाहबुद्दीन रसवी, मुस्लिम स्कॉलर, हाजी नाजिर खान जी, मुस्लिम एक्टिविस्ट, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। यतिमा जी, देखिए ये आदेश तो हर एक वर्ग के लिए है, हर एक समाज के लिए है, हर एक धर्म के लिए है, तो इसमें मुस्लिम वाला एंगल कहां से आ गया है? नहीं देखिए, जिन लोगों को अपने आप को, राहुल जी, जिनको ये दिखाना है कि मैं, हम पीड़ित पक्ष हैं और हम पर बहुत ज्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर, वो इस तरीके की शोर शराबा कर रहे हैं। नहीं तो आप सर्वे करा लीजिए मुजफ्फरनगर में, जहाँ के लिए आदेश पारित किया गया था सर्वप्रथम, अब तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन सबसे पहले जहाँ पारित हुआ था वहाँ के दुकानदारों को कोई भी आपत्ति नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ये कहता है कि आपको अपनी आप अपनी फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसकी पूरी आजादी है। आप लक्ष्मी ढाबा रखिए, माँ वैष्णो ढाबा रखिए, जय माता दी रखिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रखिए, लेकिन आपको अपनी फर्म का नाम, आपको अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर दुकान के बाहर, जो खाद्य विक्रेता हैं, जो किसी भी तरीके की खाद्य सामग्री को विक्रय कर रहे हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो ये नियम को फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा बहुत शुचिता और पवित्रता की यात्रा है, बहुत नियम और नियम कायदे उसमें फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत पवित्रता बनाए रखनी पड़ती है। आप सोचिए कि दोनों अपने कंधों पर जल उठाकर जब भोले चलते हैं, तो उस समय अगर कहीं भूल से भी अगर वो ऐसी जगह खा लेते हैं, या नॉनवेज का ही प्रश्न नहीं है, या प्याज और लहसुन का भी परहेज होता है, तो गलती से भी अगर किसी ऐसी जगह खा लेते हैं जहाँ इस खाद्य सामग्री का प्रयोग हो रहा है, तो उनकी तो पूरी तपस्या भंग हो गई। और मुझे लगता है कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, आप राहुल हैं, मैं चेतनानंद हूँ, शाहबुद्दीन साहब बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाना ही क्यों, जो हम हैं उसी के। रजवी साहब, इस्लाम क्या कहता है कि नाम छुपाकर धंधा कर सकते हैं क्या? नाम मुसलमान और दुकान का नाम सनातनी, क्या ये इस्लाम के लिए जायज है? देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, और यह भी आदेश दिया है इस्लाम ने कि अपनी पहचान, अपने नाम, अपनी आइडेंटिटी न छुपाएं और उसको, अपनी पहचान को बिल्कुल क्लियर रखें। छुपाने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है,
चाहे जो भी हालात हों उन हालात का सामना करें और हालात का सामना करते हुए अपनी पहचान को कतन न छुपाएं। तो सबसे पहले जो आदेश हुआ एसएसपी मुजफ्फरनगर ने किया, उसके बाद में डीआईजी सहारनपुर ने किया, और ये जो है जिन इलाकों के लिए किया गया था उन इलाकों में कसरत से बड़ी तादाद में कांवड़ यात्राएं होती हैं, लोगों का जमे गफीर होता है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने की स्थिति में ये व्यवस्थाएं इस तरह के इंतज़ाम किए जाते हैं। तो इसको जो है कोई हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से न देखा जाए, बल्कि इसको इंतज़ाम ये व्यवस्थाओं और लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से इसको देखा जाए तो बेहतर होगा। जो लोग भी इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं तो वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, और वो लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम लोग मजहबी लोग हैं, हमारा जो है वो किसी भी सियासी किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, इसलिए हम वो बात करते हैं जो कौम के हित में हो, जो देश के हित में हो। तो ये बात जो है वो दोनों के हित में है। इसमें तो एंगल ये निकल गया कि अगर किसी का नाम अशरफ है, उसने अपने दुकान पर अशरफ लिख लिया और कहा जा रहा है कि आप अपने जो दुकान का नाम है या जो प्रोपराइटर है वो लिखिए, लेकिन किसी की दुकान का नाम श्याम है और उसके मालिक मान लीजिए कि मोहन है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत तो दूसरों को हो रहा है। आचार्य राज जी मदनी साहब कहते हैं ये तो संविधान के खिलाफ है। अगर ये संविधान के खिलाफ है तो इस्लाम के खिलाफ क्या है, ये भी तो बता दें। राहुल जी मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये सब सुनता हूँ कि एक श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है राहुल जी, दो एक साथ न होए भुआलू हसब ठठाए फुलाओ गालू, जोर से हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। ये कौन है अरशद मदनी? ये अरशद मदनी 7 फरवरी 2024 को जो बयान देते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो शरिया के अगेंस्ट कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी कानून जब यूसीसी लाया गया तो वहां पर उनका बड़ा स्पष्ट ये बयान था कि मुस्लिम समाज शरिया के अगेंस्ट कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी जब बात आएगी हलाल और हराम की, जब हलाल को लेकर के अभी बहुत चर्चा चली थी तब हुआ कि ये हमारे धर्म का मामला है, हम इसके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा अभी थोड़े दिन बाद आया महिलाओं की गुजारा भत्ता को लेकर के तो यही होगा, 3 तलाक को लेकर के बात आएगी तो यही होगा। तो कुल मिलाकर के जब इनके लिए बात आएगी तो वहां इनका धर्म सर्वोपरि है, और जैसे ही इनको लगा कि इसमें हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ जो अगर ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के लोग नहीं खरीदते हैं, मेरे घर में अभी एसी रिपेयर करने वाला व्यक्ति आया है, मैंने बुक किया है, पहले उसका नाम आया लेकिन मैंने कहा आइए, तो वो मुस्लिम भाई थे आइए, उसमें ऐसा नहीं कि लोग नहीं लेते, नहीं तो वो तो नाम बता कर आया होगा ना, नाम बदल कर नहीं आया होगा। सिंपल सी बात है, लेकिन इनको दिख रहा है ये डर है कि जो अभी तक हम पहचान छुपा करके हिंदू भाइयों को उल्लू बना रहे थे अब वो जागृत हो जाएंगे, इससे पता चल जाएगा, तो अब इनको संविधान नजर आ गया। अरे भाई पहले ये तो क्लियर कर लो कि संविधान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धर्म इंपॉर्टेंट है, एक चीज पर क्लियर रहो, अगर धर्म इंपॉर्टेंट है तो फिर यहाँ पर संविधान की दुहाई मत दो। तो अरशद मदनी या जो भी लोग आज इतना चिल्ला रहे हैं हो हल्ला कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो कानून देखो मेरा अधिकार है, आप मक्का जाइए, आप जो मर्जी, आप रोजा रखिए, आप जिस नियम का पालन करना है आप कीजिए, मैं उसमें आपका सम्मान करूंगा, आपके आड़े नहीं आ रहा हूं। मक्का जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आपको इस दुकान से खरीदना है या ये करना है, आपका जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। मेरा भी नियम है, कांवड़ यात्रा मेरे लिए सबसे पवित्रतम यात्रा में से एक है, तो मेरा अधिकार है कि मैं, आप लोगों ने वीडियो देखा है भाई, मैं थूक करके खाई हुई चीजों को नहीं खाऊंगा, चाट करके खाई हुई चीजों को नहीं खाऊंगा, नहीं छूंगा, कोई पेशाब कर रहा है किसी रसगुल्ले की बाल्टी पर मैं वो नहीं खाऊंगा, तो ये मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं अगर अपना अधिकार पालन कर रहा हूं, और काहे भाई नामकरण संस्कार होता है, इतने बड़े बड़े पवंडर रचे जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं जी, आज नामकरण संस्कार हो रहा है और फिर आज नाम बताने में आपको पीड़ा हो रही है। तो कुल मिलाकर के इनको अगर कोई भी कानून व्यवस्था के लिए राहुल जी लाया जाएगा तो उसमें कुछ लोगों को पीड़ा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाज़िर साहब नियम है चलना नहीं, ये पीड़ा सियासी है, ये वाकई पीड़ा है,
नाम बदल कर धंधा क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। जो नाम है उस नाम पर आप दुकान खोलिए, नाम लिख दीजिए। बताया जा रहा है कि FSSAI का ये तो नियम है 2006 का, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हाजी साहब क्यों देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संवैधानिक लोग हैं, संविधान में हमारी पूर्ण आस्था विश्वास है। दूसरी बात यह है कि जब भी ये कहते हैं कि नाम अपना शो कीजिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई गुड्डू मलिक है, कोई परवीन चौधरी है, तो इसमें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे गुड्डू मलिक जो है वो हिंदू है या मुसलमान है? परवीन चौधरी मुसलमान है, हिंदू कैसे? कौन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम, उसमें आप जस्टिफाई कीजिए। यतिमा चेतनानंद जी, हमारी उनकी बात हो रही है, एक मिनट। नाम में कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि परवीन नहीं? कौन कह रहा है कि उसमें हम हिंदू और मुस्लिम ढूंढ रहे हैं? किसने कह दिया आपसे? राहुल जी, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये मान के चलिए जितने भी फल रेडी वाले, अभी आपने देखो आरिफ ने अपना नाम लिख रखा, निशान ने अपना नाम लिखा फल रेडी पे, लेकिन फलों का कोई मजहब नहीं होता। मैं फल की बात नहीं कर रहा हूँ, फल को बेचने वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, फल के, हाँ वही उसी बात पे आ रहा हूँ। अब ये मान के चलिए कि कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है, जब निकल रही है तो वहां पर मुसलमान अपना नाम लेकर एक तख्ती पर खड़ा हुआ है, कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों का फायदा उठाते हुए अगर उस इंसान की अगर कोई बात कर दे, उसके साथ मॉब लिंचिंग कर दे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहली नहीं, बात तो ये है। नहीं तो यही तो दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि आप ही में से कांवड़ियों को कुछ खिला देता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ राहुल जी, देखिए हम वो मुस्लिम लोग हैं जो कांवड़ यात्रा वाले कांवड़िया भाइयों की खिदमत करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल लोगों ने हाथ पैर दबाए हैं कांवड़ियों के, और हाजी नाजिम फल वितरित करता है। लेकिन आज एक चीज राहुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने, देखिए डेविड को दिक्कत नहीं है, डेविड को दिक्कत नहीं है, ना ही श्याम को दिक्कत है, लेकिन इरफान को दिक्कत हो रही है। हाँ राहुल जी, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। आप ये बता, इरफान को क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत यहाँ पर हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि आज आप यहाँ पर हमारा नाम शो कर रहे हैं, हम ठीक है, हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन कल को यह हो जाएगा कि हाजी नाजिम खान अपने हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर निकले और कहे कि हाँ भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान है। तो ये बता दीजिए, क्या मुझे अपनी देशभक्ति हर बार साबित करनी पड़ेगी राहुल जी? अगर एक मिनट, यतिमा चेतनानंद जी, अगर वही हाजी नाजिर खान आचार राज मिश्रा बनकर रहे, तो क्या ये जायज है? नहीं, जायज नहीं है। देखिए इसी तरीके से तो लोग जिहाद होता है, आपको अपनी आइडेंटिटी कहां लोग जिहाद है? ना, गलत बात कर रही हैं आप। लव जिहाद वाला तो मैटर ही नहीं है। अरे सुन लीजिए, मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती तो आप उसको लव जिहाद का नाम दे देती है, लेकिन वहीं पर मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता तो आप घर वापसी की बात क्यों करते? एक देश के अंदर दो तरीके के कानून क्यों हो रहे? अरे भाई हम मुसलमानों के खिलाफ बात, तो वही सही कह रहे हैं कि एक देश में दो तरीके के कानून क्यों हो रहे हैं? तो फिर पर्सनल लॉ हटा दीजिए, फिर एक देश एक कानून रहने दीजिए। अब आप वहां तो नहीं बोलेंगे कि एक देश में दो कानून क्यों है, पर्सनल लॉ पर आप कहेंगे शरिया, आप वहां तो नहीं बात करते, अभी कह रहे कि एक देश एक कानून। हाँ राहुल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मुझे संविधान से चलता और संविधान के अंदर आर्टिकल 25, इसी संविधान के मुताबिक जो बातें कही जा रही है FSSAI 2016 का 2006 कानून के मुताबिक, आपकी दुकान पर किस नाम से है, उसका मालिक कौन है, रेट लिस्ट क्या है, जागो ग्राहक जागो, इसीलिए तो चलाया जा रहा है जागरूकता के लिए, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है राहुल जी, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के जो ढाबे हैं, अगर उनका मालिक अगर हिंदू है और उसमें काम करने वाले मुस्लिम जो हैं वो सेफ है, तो ये बता दीजिए क्या वहाँ जो मालिक है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो उसके अंदर मालिक का नाम लिखना पड़ेगा, कौन कौन काम कर रहा है नाम लिखना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है आपको? भाई आपकी दुकान है, मुझे खरीदना होगा खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेंगे। मैं वही तो करूँ, उसमें काम करने वाले सेफ जो है मुस्लिम है, तो फिर क्या आप वहाँ जो
लोग हैं वहां खाना खाएंगे और वही जब मुसलमान। नहीं तो आपको किस बात का डर है, जरा वो क्लियर कर दीजिए ना। राहुल जी मैं बार बार वही एक बात बता रहा हूँ, हम सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने नाम सोल करे है ना, बताया है। अरे सुन लीजिए यतीजी सुन लीजिए, हम लोगों ने अपना नाम वहाँ पे सोल करा है, आरिफ के नाम से करा, स्वेब के नाम से करा। नहीं आप लोगों ने ये गलत अब मैसेज दे रहे हैं, यतिमा चेतना नंद जी ये गलत मैसेज जा रहा है। उनका कहना कि हम लोगों ने पहले नाम शो किया है, सभी ने नाम शो किया है, वहां जाकर घूमिए देखिए। नहीं नहीं नाम शो करना पड़ेगा और सबने नाम। राहुल जी इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये कहता है कि हम हिंदू हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं लेकिन हाजी नाजिम को बताने की जरूरत है कि भारतीय मुस्लिम है हाजी नाजिम का। हाजी नाजिम नीलम स्वीट स्टोर, अनमोल जूस कॉर्नर, राधे श्याम ढाबा, शुद्ध वैष्णव ढाबा, और निकलता कौन है उसके पीछे, यतिमा चेतनानंद जी। यही तो चीजें हैं राहुल जी, नाम छिपा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस ये जो आदेश आया है, ये अभी जिस हिंसा की बात कर रहे थे, जिस मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, लाखों की संख्या में परसों से कांवड़िया सड़क पर होने वाला है, करोड़ों। उसके बाद अगर करोड़ लिखिए, कम से कम चार साढ़े चार करोड़ कांवड़िये सड़क पर होंगे। बिल्कुल राहुल जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा, मेरी बात सुनना राहुल जी। अगर धार्मिक यात्रा कावड़ की निकलती है तो हम मुस्लिम समाज अपने धार्मिक कावड़ यात्रा हिंदू भाइयों का बड़ा सम्मान करते, उनकी आस्था का ध्यान रखते और पूरा। नहीं तो वो भी तो रखते हैं वो भी तो रखते हैं, अपने मंदिरों में जगह देते हैं कि आप लोग नमाज कर सके, वो भी तो देते हैं। राहुल जी मैं वही बात हो रही है। हाँ सुन तो लीजिए राहुल जी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, देश के अंदर अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मंदिर में तो हमें नमाज पढ़ने के लिए परमिशन देते, लेकिन हमारी ईद की नमाज 15 से 20 मिनट की होती है। अगर हम सड़क पे साइड में आ जाते हैं नमाज पढ़ते तो हम लोगों पर ब्लेम करते, सड़क पर पढ़ते हैं ना, वो तो मंदिर में पढ़वाते हैं आपसे। तो आप भी कहिए ना कि आइए मेरी मस्जिद में एक दिन आप आरती कर लीजिए एक दिन, कह सकते हैं आइए मेरी मस्जिद में। कोई जा रहा है पंडित जी, पूजा पाठ का समय हो गया, तो आप क्या कहेंगे, आइए मेरी मस्जिद में आप पूजा पाठ कर लीजिए, है संभव? राहुल जी नहीं, आप बताइए संभव है। मैं बता रहा हूँ राहुल जी, देखिए मैं तो अपनी मस्जिद में इबादत के लिए इनवाइट करता हूँ, आपको भी करता हूँ, आचार्य जी को भी करता हूँ, यतीनानंद जी को भी करता हूँ। आचार्य जी जाना चाहिए, आचार्य राज मिश्रा जी जाना चाहिए। बिल्कुल हनुमान चालीसा रखते हैं, मैं तो कब रखना चाहूंगा राहुल जी, पूरी टीम लेकर के चलिए, कौन से मस्जिद में आना बताइए नाजिर जी, करते हैं खान साहब बताइए, एड्रेस दे दीजिए, आचार्य जी जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुन लीजिए आपसे कह तो रहे खुल के आइए ना नमाज, हम तो नमाज पढ़ते हैं, आप भी इबादत कर लीजिए, लेकिन आप लोगों को हमारी नमाज पढ़ने से दिक्कत हो जाएगी, हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि आप लोगों को हमारी नमाज में दिक्कत हो जाएगी। अरे तभी तो आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं भाई, अरे सुन लीजिए, तभी तो आप लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते, हम लोगों को आपत्ति नहीं है, आप लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते, हाजी नाजिम को आपत्ति नहीं है, लेकिन हाजी नाजिम अगर नमाज पढ़ ले तो आप लोगों को आपत्ति है। हाजी नाजिम खान साहब हाजी साहब ठीक है ना, आप तो एड्रेस तो दे दीजिए, आचार्य राज मिश्रा जी जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे हैं। नहीं मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? नहीं मैं तो मुल्क की दावत दे रहा हूँ, जहाँ आपका मन करे आप आइए। नहीं आप बताइए ना, आप साथ में जाइए, मान लीजिए उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई तब। हाजी नाजिम इन भाइयों की सेफ्टी के लिए खड़ा, मुस्लिम समाज सेफ्टी के लिए खड़ा, लेकिन यही कहता हूँ कि हम लोगों का दिल तो बड़ा है, हम लोगों का दिल बड़ा है, हम लोग कहते हैं कि हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप भी आइए इबादत कीजिए, कोई किसी ने मना कर रहा, लेकिन आप लोग भंडारे की बात, आप बताओ राहुल जी भंडारे की बात हो रही है, इसका मतलब कब्जा करने की बात हो रही है,
एक बात तो देखिए आचार्य जी एक बात तो सही कही नाजिर साहब ने कि हर मस्जिद के नीचे आप लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है नाजिर खान के अंदर भी आप लोग ढूंढिए तो कुछ अलग ही निकल आए। देखिए नाजिर खान साहब ने आज जो नाजिर है आप सब लोग जानते हैं, नाजिर खान साहब भी जानते हैं कि पुराने हिंदू ही हैं। अब वो कुछ परिस्थितियां बनी, डर ऐसा बना जो आज इनको नाजिर खान साहब नाजिर खान बनना पड़ा। नहीं तो पहले के कोई मौलाना शहाबुद्दीन जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन दिक्कत हो रही है। नाजिर खान साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है, इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि हर ग्राहक का ये अधिकार होता है कि वो कहाँ खाए ना खाए, जब नियम कानून है उस हिसाब से बोर्ड लिखा हुआ है, दुकान का नाम देखेगा, नहीं खाना है नहीं खाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी इस पैनल में बैठा हो, जो नियम है उसके मुताबिक नाम होना चाहिए, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, मैं ग्राहक हूँ चाहूँ खाऊं या ना खाऊं। रजवी साहब आवाज आ रही है? बात ठीक है आपकी। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार के इलाके जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही। देखिए रुड़की, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार का जो पूरा इलाका है, और सबसे पहले जैसे ही आदेश दिया था मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने, तो वैसे ही तुरंत तमाम मुस्लिम और हिंदू सब लोगों ने नाम लिखना शुरू कर दिया था। और वहां पर जो मुसलमान दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले हैं, वो तो ठीक है, लेकिन नाजिर खान साहब को दिक्कत है। इन लोगों में से किसी ने भी आपत्ति नहीं की और इस आदेश का पालन शुरू कर दिया। नाजिर खान साहब को दिक्कत, पॉलिटिकल लोगों को दिक्कत है तो दिक्कत होती रहे, जो अरशद मदनी को दिक्कत है, जो लोग काम कर रहे हैं ओवैसी को दिक्कत है, उनको कोई परेशानी, कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिक्कत है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस बात को उठाया और उन्होंने एतराज किया। मुझे जहां तक जानकारी है तो 2006 में मुलायम सिंह वजीर आला हुआ करते थे, उन्होंने भी ऐसे ही आदेश दिया था कि अपना नाम लिखें, बोर्ड लगाएं और कारोबार का नाम लिखें। तो उस वक्त उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपने बाप के लिखे हुए आदेश को नहीं देखा और न देख करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हुए एतराज, यानी कि ये क्लियर है, ये हिंदू मुस्लिम के एंगल से इस आदेश को देखा जा रहा है, वोट बैंक की सियासत की जा रही है, दुकानदारों को दिक्कत नहीं है, वहां कारोबार करने वालों को दिक्कत नहीं है, सियासतदानों को दिक्कत है, और जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, मुस्लिमों को ठेकेदार कहते हैं, उन्हें दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि इस्लाम आखिर क्या कहता है कि नाम छिपाकर धंधा कीजिए, अच्छा हो या गंदा, लेकिन चलेगा नाम वाला धंधा। हालांकि इसे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे ये फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं कि हर एक फैसले में सियासत जरूर ढूंढ लेते हैं, हिंदू मुस्लिम जरूर ढूंढ लेते हैं। दो टूक में